सिकंदर विजय साहनी लेके चल रहे हैं सिकंदर राजा के लिए। और पहली बॉल यहाँ पे हवा में गेम थी थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन बैट का अंदरूनी निशा लेकर जो की एक पहुंची बचपना थोड़ा बदला यहाँ पे सिकंदर राजा ने और एक रन मिलने का सारी जाति से एक रन खाते बताया एक रन तो पहली बार होंगे मोनू फिर से लेफ्ट का बल्लेबाज है तो इनसे काफी अपेक्षा होगी कप्तान को जसरा की टीम को जो तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच है पॉइंट के क्षेत्र में खेल के हर एक रन पूरा करते हैं यहाँ पे द्वारा कोई नुकसान नहीं पाइल बता दे दशक मत होगी दशरथ कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए दो गेंद पर जोर बनाकर अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है कोई नुकसान नहीं हुआ है कैच के साथ ही सिकंदर का विकेट यहाँ पे तो पहली सफलता मिलती है यहाँ पे सलेंटों को अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही थी यहाँ पे शुरुआत से ही तो पहले विकेट गिरती हुई सिकंदर के रूप में और तो फिलहाल जो की अच्छी वेलफेयर रोड का पहला विकेट देख सकते हैं जा रहे हैं सिकंदर पहली सफलता मिलती है यहाँ पे सलेमपुर को वहीं पे दो क्रेडिट स्कोर पे पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पे बेलतरा को अच्छी संकेत नहीं राजेंद्र यह है जी तीन दो रन की स्कोर पे पहला विकेट गिरता हुआ कितने ओवर का मैच है ये 10 ओवर का मैच खेला जा रहा है ध्यान होंगे दादू जाएंगे सर तो फिलहाल से आप जो है की उनका स्थान लेना है सिकंदर का एक लंबी सरदारी करना होगा इस मैच में अगर क्वार्टर फाइनल आपको इस मैच से जीतना होगा तो अगले वाले मैच में क्वालिफाई करना होगा तो भैया आपका नाम श्याम आ चुके हैं बल्लेबाज दो रन एक विकेट का नुकसान पे सारी चले दाएने हाथ में इनके के ओ ये गेंद अच्छी गेंद थी व्हाइट माना जाता था की गेंद लेकिन पीछे लेग बाई के रूप में दो रन लेग बाई के रूप में यानी एक व्हाइट के रूप में और दो रन बाई के रूप में तो फिलहाल तीन रन के साथ बढ़ता हुआ तेजी से बढ़ता हुआ पांच रन एक विकेट नुकसान पे सलेमपुर के खाते में पहला विकेट मिलता है यहाँ पे वही बैसा के कप्तान जो है की नाखुश होंगे भैया बनारस है बनारस से भी रात में आपको लाइव देखने को मिलेगा वहाँ का मुकाबला देखिए जहाँ देखा जाए तो सिकंदर बहुत ही अच्छे बल्लेबाज थे और सी वेगस की टीम में कभी काफी मैच खेल चुके थे काफी अनुभव था और काफी अच्छी बैटिंग करते हैं अपने टीम के लिए निशान भैया नहीं है श्याम इस टाइप पे होंगे सामना करेंगे गेंदों का और हल्के आते थे खेलने का प्रयास था लेकिन बैट और गेंद से हल्के अधिक से अधिक शेयर कीजिए क्योंकि आज का मुकाबला जो खेला जा रहा है वो बेलथर रोड बनाम सलेमपुर के बीच खेला जा रहा है जिसमें सभी पूर्वांचल के बड़े बड़े स्टार आपको देखने को मिलेंगे नाम सुनने को मिलेंगे ऊपर देख लीजिए वन बाउंस चौका या दुक्की या एक्की मिलेगा आपको अंपायर के इशारे के अनुसार एक रन और फिर खराब होने के नित्या जैसे खिलाड़ी विजय साहनी जैसे खिलाड़ी यादव जैसे खिलाड़ी सभी आपको यहाँ पे बड़े बड़े नाम सुनने को मिलेंगे इस टीम दोनों ही टीमों से अधिक से अधिक सैर कीजिए यह मैच 10-10 ओवर का खेला जा रहा है तो विजय की बात कर दे 10-10 ओवरों का यह मैच बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर अपने अडालों के रूप में खेले जाते हैं अपने टीम के लिए ओपनिंग के तौर पे आते हैं और ओपनिंग के तौर पे बॉलिंग करते हैं नित्या अभी हमारे अच्छी बॉलिंग करा था आज तो नहीं है एक विकेट प्राप्त किया है मात्र 6 रन देकर मिट्टू लोहार इस खेल का पहला ओवर टीम का दूसरा ओवर पहली गेंद
नहीं अभी किसान भैया बनारस आए नहीं है, वहाँ पे मैच काफी लंबा चलेगा, लेकिन बैट और गेंद से कोई संपर्क नहीं, 21 तक चलेगा वहाँ मैच। नित्या ने पूरा किया, रन अभी भी रुका हुआ, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे बेथरा की टीम। शिव बेकर और बेथरा की टीम मुकाबले में संघर्ष करती हुई एक बार फिर से पूरा हुआ प्रयास करने का प्रयास, लेकिन इस बार भी बिट्टू श्याम लोहार के द्वारा। यहाँ रिंकू कंपनी की टीम ही है जो आप स्टेडियम काफी खचाखच भरा हुआ बैटिंग दर्शकों से की तरफ से देख रहे हैं, बैटिंग जो कर रही है रिंकू एंड कंपनी की ही टीम है, बेल्थरा रोड शिवगंज की टीम। और इस बार और एक बार फिर से बीट करते हुए बिट्टू चतुर के दबाज बिट्टू लोहार, पहले ही बल्लेबाज को पकड़ लिया है कि बल्लेबाज की दिशा में खेलने का प्रयास कर रहा है, बैटिंग में भी कुछ अच्छा अगर करते हैं, लेकिन कब तक बचेंगे। दिलशान क्रिकेट लाइव मैच देख सकते हैं आप लोग एक बार पुनः, और इस बार खेला है हवा में गेंद, हाँ फील्डर मौजूद और कैचा, दूसरे विकेट का भी पता होता हुआ, स्कोर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे बेल्थरा की टीम। अब रिंकू यादव जिस बल्लेबाज की दर्शकों को तो दूसरा ओवर गति में था, वहाँ पे दूसरी सफलता मिलती है सी बेकर्स को, यानी सलेमपुर को, वहीं पे बैठा के कप्तान का भी नाखुश होंगे, एक सलामी राजा बल्लेबाज के रूप में आए थे सिकंदर राजा, और जो एक और बल्लेबाज थे उनका नाम था शिवम सॉरी श्याम नाम था, वो भी चलते बढ़ने और कोई जो है कि दर्शक बंधु को लुक उठाकर नहीं भेजे, तो फिलहाल अपना ही पवेलियन जाना पड़े हमको। फिलहाल दूसरा ओवर बिट्टू आ चुके हैं और ये कहना जाकर लाएंगे कि थे इस गेम को खेला है एक टक्कर होते हैं आसानी के साथ विकेट बहुत ही आसानी से गिर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, 3 सेकंड स्कोर बनता हुआ बेसरा का 7 रन 2 विकेट नुकसान पे टापुरादे के। जी हाँ परवीन बिल्कुल हार का अच्छी गेंदबाजी की है, दिलशान थोड़ी माफी जगह दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के माध्यम से लाइव मैच आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आया है फेसबुक के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से, राजू यादव के बारे में नहीं क्लियर, बिल्कुल हार चले दाइना जी के आगे भैया कहीं से बैट और कहीं पे गेंद का कोई सतर्क नहीं हुआ, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, तो अच्छी मोन से उसका अच्छा होगी यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल रहा है यानी 2 रन समाप्ति के बाद 7 रन 2 विकेट नुकसान पे काफी नाखुश होंगे बेचारे कप्तान कि मैंने एक सलामी बल्लेबाज को खो दिया है जो वन डाउन के बल्लेबाज थे यानी 3 नंबर के बल्लेबाज थे, श्याम वो भी जो है कि नाखुश होकर चले गए, वहीं पे मोनू देख के भी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय। रिंकू यादव जो है कि टाइप होंगे फिर फिर सहानी अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम का तीसरा ओवर बीए चले ये के बड़ा इंसान करने के प्रयास, मरगे बार का कोई संपर्क नहीं बचा हुआ का बंगले विकेट की बंगल के दस्तान में पहुंचते ही तभी भी इसको रुका हुआ 7 रन 2 विकेट के नुकसान पे बीए चले डायना सी एक और यहाँ बहुत ही शानदार शॉट रिंकू यादव के द्वारा 6 रन मिलता है, वहाँ बिट्टू लोहार का कहना है कि 6 रन है, इस छक्के के साथ ही स्कोर में इजाफा होता हुआ। अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे रिंकू यादव अगली गेंद पर गौतम कुमार जी यूट्यूब पेज चलाने के लिए दिलशान भैया फिलहाल मौजूद नहीं है, बल्लेबाजी करते हैं वहीं पे अच्छी बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पे
रिंकू यादव, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, यूट्यूब पे नहीं चल पा रहा है क्योंकि दिलशान भैया यहाँ मौजूद नहीं है फिलहाल हमारे पास। और एक और बैक टू बैक सिक्स रन बाय रिंकू यादव, तो बैक टू बैक टू सिक्स रन बाय रिंकू यादव, तो इस पैसे के साथ ही सिक्स बताऊंगा 19 रन, दो विकेट नुकसान पे। तो पीएसआई के ऊपर था प्रेशर बनता हुआ, यहाँ पे वही प्रेशर जो खत्म होता हुआ रिंकू यादव के ऊपर, काफी स्ट्रगल कर रहे थे रिंकू यादव भी, साइड से लेके पकड़, हैट्रिक तो होंगे रिंकू सहानी ऊपर थोड़ा, और यहाँ एक और बाउंड्री के रूप में जाता है बिल्डर मौजूद है, कुछ माना जाता था जो है कि बीच विकेट ना तुम्हारे बैक का अंदरूनी हिस्सा लगा, और एक रन मिल जाएगा, यानी हैट्रिक से बचते यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जी हाँ, आदर्श कप के लिए वहाँ बनारस में मौजूद है दिलशान, दो विकेट नुकसान पे, बहुत थोड़ा सा उनके बैट अभी तक कुछ नहीं निकला है अभी तक, और ये देखा भाला गेंद को जाने बाद दिया, और काफी यहाँ सिस्टम के बाहर गेंद थी, एक रन मिल जाएगा अतिरिक्त रूप में यानी वाइट के रूप में मिल जाएगा, तो 21 रन बन चुका है दो विकेट नुकसान पे, तीसरा ओवर थी पे विजय सहानी चले दाहिने हाथ से मोनू के लिए, ये के और एक तो शानदार सुपर छह रन के लिए, लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज थे हिमाचल, बहुत ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे थे बल्लेबाज, उनके बैट में गेंद कुछ नहीं हो रहा था, अच्छी नहीं थी, तो छक्के के साथ बढ़ता है रिंकू बढ़ता हुआ 27 रन यानी 27 रन का लास्ट का बैट भी के एंड द बेल थ्रो। देखा जाए तो आईपीएल में कई तरीकों से गेंदों फेंकी जा रही है, अगर इंस्पायर होके उस तरह की, और एक और बैक टू बैक किक देख सकते हैं, बहुत ही लंबा छक्का, 6 रन विजय सहानी इस ओवर में काफी खर्चीले, विजय सहानी इस ओवर में बहुत खर्चीले साबित हो चुके हैं, 24 रन यानी 25 ओवर में खर्च किए हैं, 3 ओवर की समाप्ति में कुल स्कोर 35 रन, मैं पहले बता दिया था कि इस आईपीएल और टी20 में काफी अच्छे बॉलर नए ओवर के हैं, काफी परिवर्तित करके बॉलिंग कर रहे हैं, उसे इस बार करके गेटबाज अगर गेटबाज गेंद करी जाए तो एक अच्छा नसीहत अपने तरफ से दिया जाएगा, 3 ओवर 35 रन 2 विकेट बेथरा, रिंकू यादव 35 बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, ओपनिंग के तौर पे आए थे मोनू, हालांकि कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन पिछले ओवर में बैक टू बैक स्कोर में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, सॉरी उसके लिए क्षमा चाहेंगे नेटवर्क की दिक्कत से, शानदार बल्लेबाजी मोनू द्वारा, 3 ओवर समाप्त हो चुका है जिसमें 35 रन हो चुके हैं, सामना करेंगे रिंकू, तो गेंदबाजी पे आ चुके हैं बुमराह और शलेपुर के बीच में मैच खेला जा रहा है, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई पंचरा की टीम 3 ओवरों में 33 रन बना चुकी है, राम विकास आ चुके हैं गेंदबाजी के, 2 विकेट की रक्षा के कोने का पहली गेंद, और इसे खेला है कारपेट के सहारे कवर के दिशा में, फिर वाला की दूसरे रन के प्रयास, दूसरे रन के भी प्रयास और 2 रन आसानी से 2 रन चुरा लिया, पंकज वहाँ पे प्रदीप वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन यहाँ स्कोर कार्ड सही किया जा रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है इसलिए स्कोर कार्ड आपको थोड़ा सा दिक्कत में देखने को मिल सकता है, ओवर की थोड़ी सी मिस हो चुकी है, 3 ओवर यानी 4th ओवर चल रहे हैं, इसमें आपको 5 दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन रन आपको सही मिल रहा है देखने को, और इस बार लगा दिया है बाउंड्री, और क्या शानदार कैच वहाँ पे, बहुत ही आसान कैच, छोटी डिलीवरी की कैच थी, हालांकि इसे सही नसीहत नहीं दे पा रही, क्यों बहुत ही तो यहाँ पे यादव का विकेट गिरता हुआ, बहुत ही बड़ा झटका लगता है, बहुत ही शानदार कैच अमन उपाध्याय द्वारा, कैच की बात की जाए जहाँ पर बहुत ही तीसरा विकेट कैच पकड़ा गिरता हुआ रिंकू के साइड से लेकर आए थे,
मेहताब अहमद जी वालेकुम अस्सलाम। सलेमपुर शिव के सलेमपुर और गेंदरा के बीच में जिस विकेट की तलाश थी उस विकेट को प्राप्त किया है राम विकास ने 35 रन के निजी स्कोर पे। चौथा प्रगति में चलता हुआ कि छोटी गेंद थी मिड विकेट पे खेले था लेकिन सफल करके वहां पे अमन ने कैच को पकड़ा। बहुत ही शानदार कैच था। असल जी रख ले बल्लेबाज ने पंकज पांडे अगर हो तो हाथ उठा देंगे। धन्यवाद। और ये मीट वगैरह नहीं तो चालू है। सारे खिलाड़ियों से भली बात ही प्रस्तुत होना है। और पंकज पांडे के बारे में बता दूं इसका नहीं जा रहा है। वो बहुत ही शानदार ऑलराउंडर प्लेयर है। कोई समझ नहीं इनको मैंने मुमताज वाला एक तरफा मैच जिताते हुए देखा है। बकरी में अपने दम पे बाइक इन्होंने जिताया है। जाता कमेंट्री वाला पंकज पांडे लेकिन जियो चलता है। सामने अनुभव राम विकास चलते तीसरी गेंद सामने करेंगे पंकज पांडे और इसे खेला शानदार तरीके से। चार पंकज पांडे पहली ही गेंद पे चौका लगा के अपना खाता खोलते हुए गेंद को क्रेक नहीं कर पाएंगे लेकिन बॉडी लाइन के बाद चार रन स्कोर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पे चौथा ओवर प्रगति पे चलता हुआ पांडे जी बाहर इस बार उठा दिया है उन्होंने। कैच पंकज पांडे दो गेंद जैसे को तैसा पहली गेंद पे बॉडी लगाता लेकिन राम विकास कहां पीछे हटने वाले हैं। आपने चौका लगाया मैं आपका विकेट ले लूंगा। टेला चल गई का ब्रांड मैं ठीक था हाउ कमेंट्री सुना था ना। चौथा विकेट का पतन गिरता हुआ उनतालीस रन के निजी स्कोर पे विवेक छोटे कद के हैं लेकिन बहुत ही कारनामा इनका है। कॉल करते हैं थोड़ा कॉल कर दिए कॉल की तो थोड़ा मैनेज कर विकेट आ गया ना मेंबर को भरवा चाहिए ओवर वो बाबा कैसे होगा वो विवेक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं। विवेक छोटे कद के हैं लेकिन लंबे लंबे छक्का मारते हैं। मेहराना के ग्राउंड पे इन्होंने बहुत ही बड़ा कारनामा किया था अपने बल्ले से। राम विकास सुना तैयार और हल्के हाथों से खेला है फ्रंट की दिशा में वहां पे फील्डर मौजूद टीम का स्कोर क्या पहुंचा है 40 रन। चौथा ओवर प्रगति में चलता हुआ 10 ओवरों का मैच खेला जा रहा है बिल्कुल और चीफ एक सलेमपुर के बीच बाहर मोनो ओपनिंग के तौर पे आए अभी तक क्रीज पे डटे हुए हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी मोनो करते हुए अपने टीम के लिए एक बार पूरा तैयार और शानदार राम विकास में खेला है। ओवर समाप्त चार ओवरों की समाप्ति में 40 रन तो चार ओवर हो चुके हैं आपके स्कोर बोर्ड में ओवर की गड़बड़ी दिख रही होगी। चार ओवर हो चुके हैं 40 रन ये स्कोरिंग में थोड़ा वहाँ कैसे यार 38 से चौका लगा 42 हुआ और 40 बोल तो बेतरा की टीम अभी भी स्कोर रुका हुआ 40 रन 10 विकेट के नुकसान पे ओवर कर आउट विकेट विकेट हटाना पड़ेगा पूरा विकेट हटाना पड़ेगा स्कोर पे चार ओवर समाप्ति के बाद टॉस जीता था लेकिन चार ओवर जीता। स्कोर है 40 रन 40 विकेट नुकसान पे पांच ओवर भी होंगे देखना है कौन से गेंदबाज को ओवर कर दो बस कैसे विवेक इस टाइप होंगे नाम इस टाइप होंगे मोनो
स्ट्राइक पे है विवेक, नॉन स्ट्राइक पे है मोनू, चार ओवर और 40 रन होंगे, दादू जाएंगे सर। तो फिलहाल सरवान जो है कि अपने कोच का पहला ओवर में टीम का पांचवा ओवर, तो गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं श्रवण। इस टाइप होंगे विवेक और नॉन स्ट्राइक पे होंगे मोनू, जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। अभी तक शुरुआत से ही टकल कर रहे थे, मगर बीच में की अच्छी टच में दिखाई देते हैं, यहाँ पे दो छक्के लगाए थे बैक टू बैक। सरवान चले बाएं हाथ से उठे गए और इस गेंद को ढकेला है सीधे लेफ्ट साइड में, यानी थर्ड सेकेंड अंपायर के पास, और एक रन मिल जाएगा वहां पे आसानी के साथ। इस एक के साथ बढ़ता होते हैं, इससे स्कोर बढ़ता है 41 रन, 4 विकेट नुकसान पे बेलतरा रोड। तो सलेमपुर और बेलतरा के बीच यही है तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है, हर साल की बात इस साल भी खेला जा रहा है जीपीआई कॉलेज के माध्यम से, यानी गणपति प्रसाद इंटरनेशनल कॉलेज के माध्यम से खेला जा रहा है। फिलहाल सरवान जो है कि बाहर निकलती कैसे गेंदबाज है और पहली बार सामना करेंगे मोनू। ये बाउंड्री के बाहर, यानी ये पूरे स्कूल के बाहर जा चुके, जाके गिरी हुई है। तुमको भारी बती जानते हैं कि बाया के इस बात को कैसे परखना है, यही काम के बल्लेबाज होते हैं तो थोड़ा समझ में नहीं आती उनको, क्योंकि काफी बाया की गति के बाद को प्रदान करते हैं नानंद के बल्लेबाज को। तो इस छक्के के साथ बढ़ता हुआ 47 रन, 4 विकेट नुकसान पे 47 रन और एक गेंद हुआ है, सवाल है गेंदबाजों के जो अपने स्कोर में इजाफा है, थोड़ा सा 6 रन के साथ बढ़ाती हुई यहाँ पे। फिलहाल सवाल चले पाए यहाँ से उनके गेंद और फिर मतलब माना जाता था, मगर लेफ्ट साइड में मगर गेंद का और बैट का कोई संपर्क नहीं, सीधे बैट का टकराई, यानी हमारे अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाई का रूप आता हुआ, यानी एक रन बढ़ जाएगा, यानी क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है, रुक रुक के चल रहा है, यहाँ नेटवर्क इश्यू है इसलिए रुक के चल रहा है। परवा चले सॉरी, थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गया उनको, थोड़ा सा गेंद में कुछ बल्लेबाज मोनू को दिक्कत आ गई, गेंद थोड़ा भाग रही है, तो फिलहाल आप खुशी से खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। परवान परवान चले बाएं हाथ से उनके यहाँ पे शानदार कैच, आपको वापिस हो जाना पड़ेगा विजय स्वामी के द्वारा, हल्का से खेले थे, गिरे जा रहा है बिना रन बैठे, तो आपको जो है की थोड़ा महसूस करना होगा कि आप अगर तेज शॉट मारते हैं तो निश्चित रूप से कहीं पॉइंट के बीच में से और गली के बीच में निकल जाती, मगर आप अपना मेरे ख्याल से 48 के नीचे स्कोर से पांचवा विकेट गिरता हूँ। आप कहीं ना तो कट भी ना, अच्छा कम बैक किया है, दूर से दबा बना कर रखा था, बीच में दो था मोनू और श्याम, 80 रन नहीं मारे थे, मगर उसमें बल्लेबाज ना भैया परवीन के जो है क्या है, ये भी लेफ्ट हैंडर के बल्लेबाज हैं, तो लेफ्ट हैंडर के बाद सरवन भी है। सरवन चले भाई यहाँ से उठे के नो चांसर बाई एंगल स्टेट ड्राइव बाई फोर रन बाई, तो इसके साथ ही बेलसा रोड का जो है कि पहुंचता है स्कोर 52 रन। तो आप लोग 40 हजार करेंगे, यानी हाफ सेंचुरी का काम उन्होंने कर दिया है, ये टाइट करो भाई बंद से सरवन चले बाई यहां से ये और ये बॉल नो बॉल होनी चाहिए, बिल्कुल वाइट का इशारा या नो बॉल का इशारा है। अंपायर का तो फिर आज अच्छा मंगू लग रहा है कि हाइट का ये नो बॉल है और अंपायर का इशारा आता हुआ, यानी थ्री, तो आप थ्री जो है कि रन आउट जो है कि कर सकते हैं, उसके बाद आपको कोई कैच हो या बोल्ड हो चाहे स्टंपिंग हो उसको माना नहीं जाएगा। फिलहाल तो फिल्म का फायदा उठा पाते हैं और ये शानदार गेंद थी और पैर से लग के फायदा नहीं उठा सके, खेलना चाहते थे लेफ्ट साइड में मगर गेंद पहुंची वहां पे पॉइंट सेंटर में, उनके पैर तगड़ा गेंद पहुंची, तभी भी इसको रुका हुआ 53 रन 5। अरे यार कभी 53 कभी चाहिए 55 रन 5 विकेट नुकसान, 55 रन अब अभी बोल बोल रहे 55 रन 55 रन 5 विकेट नुकसान पे हमारे भाई स्कोरिंग गड़बड़ कर रहे हैं, सुन ले
कैच में सर कप्तान ने टॉस जीता है पहले बल्लेबाज करते हुए। पांच ओवर समाप्ति के बाद 55 रन 5 विकेट नुकसान पे। तो क्या पांच ओवर में कितना रन बनाएगी फिलहाल रन समय बताएगा। ये बेकर के कप्तान के दिमाग में जो चलता होगा वहीं पे श्री बेकर के कप्तान के भी दिमाग में चलता होगा कि कम से कम रनों पर रोका जाए क्योंकि चेस करने में थोड़ा सा हर खिलाड़ियों का आप टीम हो उसमें चेस करने में दिक्कत आती है। तो फिलहाल दोनों ही कप्तान के दिमाग में चलता होगा। इधर बेकर के कप्तान सोचते होंगे हमारे बल्लेबाज दो चल जाए पांच ओवर में कहा अगर 60 70 बनाने में तो उसमें हमारा कहीं से मैच से बाहर नहीं होंगे वहीं पे कम से कम रन बनाना होगा यहीं पे सोचने होंगे 80 90 के स्कोर पर रोका जाए यहाँ पे बेतरा रोड को। तो फिलहाल कुछ गेंद में थोड़ा सा दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है चेक किया जा रहा है गेंद में कोई फटी तो नहीं है कुछ खिलाड़ी हरकत नहीं किए अगर खिलाड़ी हरकत किए होंगे तो निश्चित रूप से इनके कप्तान के ऊपर जो है कि जो फील्ड प्लेसमेंट के जो है उनके ऊपर 50% और बाकी खिलाड़ी के ऊपर जो है कि 10-10% लगेंगे। अजहर महमूद जी अब अमन को हम लोग के कहने से थोड़ा ना गेंदबाजी करेंगे कप्तान और इतना लंबा छक्का पाएंगे तो मोनू कहाँ रुकने वाला है तो मोनू के बैठे निकलता हुआ तीसरा छक्का तो इस छक्के के साथ तो फिलहाल 10 ओवर 1 ओवर के बाद 61 बिटुल फिर उसी दिशा में बर्फाट का किनारे पहुंची वहां पे कदम 2 रन तक चुरा लेंगे अंपायर के बगल की ओर से 2 रन मिल जाए थोड़ी माफ कीजिएगा अंपायर को प्रतीक्षा करेंगे उसको करो 2 रन मिल जाएगा वहां पे 23 रन के साथ 32 को बता हुआ 63 रन 5 विकेट नुकसान पे। तो पिट्टू अच्छी गेंदबाजी तो जरूर किया है भले एक छक्का खाए है पिट्टू चले ये गेंद और ये गेंद को माना करते हैं मगर बैट का निशा लेकर पहुंची वहां पे गली और थर्ड मैन के रूप में मगर एक रन मिल पाएगा वहां पे दिलीप के फील्डर ने गेंद को आसानी के साथ सफाई रन गेंद को फील्ड किया और एक रन मिल जाएगा आसानी के साथ। तो इसी बताओ 64 रन 5 विकेट नुकसान थे तो कुछ थोड़ा सा धीमा जो है कि स्कोर बढ़ता हुआ ये अच्छी संकेत है कप्तान के ऊपर थोड़ा सा क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल मैच है बिट्टू लोहारसर कुछ थोड़ा सा बॉलिंग में थोड़ा उनका दिक्कत आई उसको डाउन करो जो है कि प्रवीण गेंद जो खड़े थे बड़े लगाने के लिए तब उनको देखा जैसे वापस कर लिया मीडिया को कैप्चर करके स्ट्रेट नहीं है ना बिट्टू लोहार चले लाइन आती है के साथ ही प्रवीण के बैट से दो छक्का निकलता हुआ और एक छक्के के साथ स्कोर बताते हैं इसे नुकसान पे 25-47 प्राप्ति दिखाई दे रही है यहाँ पे रन हो चुके हैं 27 को जल्द से तोड़ना हो छुआ चल रहा है सर। तो फिर आज एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और ये गेंद आपकी सबके बाहर मार्क हमारे अंपायर का बहुत यानी थोड़ा सा बल्लेबाज मोनू को इशारा था मगर इशारा कोई असर नहीं पड़ा अंपायर का यानी व्हाइट गेंद नहीं है अच्छी वापसी करते हुए दिखाई दे रही है सब 70 रन 5 विकेट नुकसान पे ये एकदम बाहर बॉल वही निशाने पे सामना करते हैं वहां पे बिट्टू लोहार यानी व्हाइट कैचर करना चाहते हैं यानी जान रहे हैं कि 150 का गेंदबाजी किया जा रहा है इस समय हमारे पास मास्क पड़ सकती है तो बहुत ही दिक्कत आएगा। तो फिर आज जो है कि बिट्टू लोहार चले लाइन में आती है और फिर उसी दिशा में ये अच्छी लेंथ है अच्छी ये तो 150 बने रहना होगा अपने ऊपर मार्क अगर बचाना होगा तो यही लाइन है और थोड़ा सा स्तंभ भटकते हैं तो फिर निश्चित रूप से दिक्कत आएगी। तो फिलहाल आगे कमेंट्री करेंगे हमारे भाई साहब
24 गेंदों का खेल शेष बाकी। अब 24 गेंदों में कितना रन बिगोर पाती है बेंद्रा की टीम? मोनो और प्रवीण बहुत ही शानदार बल्लेबाज और उतने ही शानदार गेंदबाज राम विकास। मोनो ओपनिंग के तौर पे आए थे, अभी तक क्रीज में बैठे हुए हैं। राम विकास की पारी के अभी तक खेल दिया है, मौजूद है खिलाड़ी मौजूद है, और कहां कैच छूटने वाला है। पांच चौरसिया कूद कूद के कैच पकड़ते हैं वहां पे। ये तो आसान खेल था, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी खासी रन कमलेश भैया। थोड़ा नेटवर्क इशू है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा रुक रुक के चल रहा है। अट्ठाईस रन मार के मोनू बाहर जा पाए। राम विकास अपने कोटे के दूसरा ओवर फेंकर बने, दूसरा ओवर के पहली गेंद मोनू के आउट करके बाहर भेज जाना। 71 रन बन गई बेथरा टीम के। भैया नाम उनका, छह विकेट के गिरने के बाद और प्रगति पर चल रहा। धीरे डाल बने, माफ करिएगा, 17 ओवर चल रहा। धीरे डाल बने, छोटे करके धीरे आ चुके हैं, बहुत बड़ी मार मारे ना। और पहली गेंद एक रन, शुभम मिश्रा जी, अमन उपाध्याय किस टीम से है मुझे जानकारी नहीं है क्लियर, और हमारे पास टीम लिस्ट भी नहीं है। राम विकास सातों ओवर फेंकर मारे, तीसरी गेंद लेकर, और ये प्रदीप गेंद का कैच ड्रॉप, बहुत दूर था कीपर से, कैच नहीं हो सका। कीपर से थोड़ा सा दूर कैच पकड़ ले था, कैच पकड़ने में, इसलिए कैच आसान भी नहीं था, बैट्समैन के बिल्कुल आगे था। गेल प्रवीण गेल जब तक रहिए तब तक रन बनी। राम विकास एक बार फिर से तैयार बने, गेल का तीन, ओ ये गेल है, देखिए लंबा छक्का, 6 रन। तो जब तक गेल रहेंगे जब ले रहेंगे तो पक्का है कि रन बनते छक्के के बरसात करत रहिए। स्कोर क्या पहुंचल 78 रन, 6 विकेट के नुकसान पे राम विकास। हालांकि जी हाँ भैया, ओवर थोड़ा सा गड़बड़ लिखा जा चुका है हमारे स्कोर सामने। प्रवीण गेल वाले चलता क्लियर, प्रवीण गेल के रोक पाइए राम विकास चलता है, बस चलता है, आने वाला समय ही बताई। एक बार फिर से राम विकास तैयार वाले अपने छोर से, और एक और देखिए बैक टू बैक छक्का, ऊपर से 6 रन। तो हम पहले ही बता दे भाई, जब ले राम विकास माफ करेगा, जब ले प्रवीण गेल रही है तब तक छक्का के बरसात होत रही। 52 एक्टिव बटे, आप जैसे नेटवर्क सही हुई अभी आज है सर, बड़ा था। पहली गेंद पे बिट्टू अलार, धीरज के विकेट ले लाना, 50 जबकि धीरज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करे ना, लेकिन कुछ करना पड़े अपनी टीम खातिर। भैया कमेंट्री जो कर बहुत दूर बैठे हैं, और आपको हम जूम करके दिखाएं कि वो चश्मा राइट है आए हुए हैं और कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी करेंगे अपने टीम खाती। और देखा जाला ऑलराउंडर के तौर पे भी खेलना अपनी टीम खाती, और इस बार घुमा के खेल चाहते, लेकिन बैट और गेंद से कोई संपर्क ना भई जाओ,
दो गेंद डाट हो गई इस ओवर में। देखिए भी आप नेटवर्क थोड़ा सा सही हुआ है, चल रहा होगा। बिट्टू एक बार फिर से तैयार बनाओ, सलेंदर खाती इस बार फिर से खेले खेले का प्रयास, सीधा खेले का प्रयास रहा सलेंदर के। बहुत ही शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन करें सलेंदर आजमगढ़ प्रीमियर लीग में, बहुत ही शानदार इन्होंने दस रन बचाव करें और बचा लेना और अपने टीम साथी बाइक जीत दिला जाना। तीन को गेंद हो गए ओवर में। बोलो बेटा मारा 100 रुपये ले जा लोहार, एक बार फिर से तैयार बनाओ सलेंदर खाती और खेल बहुत ही लंबा कैच होता है लेकिन छूट गया। एम्पायर जाके देखा उसका बात लेकिन एक एक रमा आजकल के खिलाड़ी बहुत ही ईमानदार हो गए मैंने। पचासी रन जा पहुंचल स्कोर कैच चला ला लेकिन छोड़ देना वहां पे गोलू कैच पकड़ ले रहता तो सलेंदर पे भारी पड़ गया था लोहार। अब सामने वाला परवीन के पिट्टू लोहार तैयार बना परवीन का करिए चप्पा खाए के बाद तीसरा बदल वाइट स्कोर जा पहुंचल 86 रन 7 विकेट के नुकसान थे। आठवार चलता प्रगति पे एम्पायर चुस्त दुरुस्त दोनों हमारे एम्पायर एक बार फिर से लोहार तैयार बना गेल खाती का हो सकला और ये बॉल बिल्कुल नीचे रह गई बहुत ही शानदार बॉल बार बार हुए साथ खेलता रहा प्रवीण गेल बैटवा पे जो अली गेदवा आई बहरे जाई लेकिन मुखियार बना बिट्टू लोहार बॉल बिट्टू बॉल और ये कितना लंबा है दो बॉल भी किए जा रहे थे और उतना ही तेज तरार बैट चला के बहुत ही लंबा चक्का रहा क्या पहुंचल 92 रन 7 विकेट के नुकसान पे और 8 ओवर समाप्त हो गई बा। दो बार डांट खेना रहा लेकिन परवीन गल कहना कि मेरी डांट ना करम बाहर फेंक दे उठा के गेंदवा स्कोर 92 रन। तो 8 ओवर समाप्ति के बाद बेलसारा का टीम का स्कोर 92 रन 7 विकेट नुकसान पे। तो आज बेलसारा कप्तान है टॉस जीता पल्ले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट नुकसान पे 92 रन यानी 8 ओवर समाप्ति हो चुकी है। तो 2 ओवर की ओर से यानी 12 के शेष बचा हुआ है या बेलसारा का टीम जो है कि 30 रन और बना लेती है वहीं पे 8 अंक निजी स्कोर पे रोक लेती है सलेमपुर सीबीएस की टीम उनके ऊपर है कि 8 ओवर हो चुके हैं टोटल और 92 रन यानी आपको क्या लगता है कि 12 गेंदों में कितना रन बनाएगी बेलसारा जब तक प्रवीण गेल रहेंगे तब तक मेरे हिसाब से तो लोग आते ही रहेंगे। दो ओवर है देखते हैं कितना लंबा कितना हाई स्कोर जाता है। सामने श्रवण माने और गेंद इन्होंने ठीक है नहीं क्या कहे के बाद श्रवण हो या कुछ भी डेट ओवर की बाजी कर रहे हैं जिसमें मार पड़ी विकेट आज होती है लेकिन एक शानदार गेंद विकेट कीपर मीन भैया हालांकि टीम में बहुत ही विकेट कीपर माना बिट्टू यादव आना तो उनके लगावे के चाहिए लेकिन बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग करे ना बिट्टू लोहार कहीं मैंने चूक हो जाला क्रिकेट था बिना पेनी के लोटा वाला किने पलट जाएगी उनको पता ना चलेगा एक बारे में क्या कहा एक बात के फिलहाल आपकी बात से मैं सहमत हूं
लीजिए लीजिए, यही देखने को रह गया था बाकी। और देख सकते हैं कितना लंबा बता रहे थे कि 12 गेंद बाकी के 25 रन बन सकते हैं। वहीं पर भी नफा छोड़ बदला जंप करके बोला वहीं छोड़ बदला हुआ 98 रन वहीं पे साथ भी नुकसान पे बैठा रही। एक तरकुल नहीं दो तरकुल मारा था ना परवीन गेल, बड़ी मार मारे ना परवीन गेल। हम देखले बारी कई बारी के मैच में सरवन कहीं कर विकेट ले पाए परवीन गेल के तैयार बने एक बार फिर से एक और देखिए लंबा छक्का स्टेज में कोनो मौका नहीं बा एक गो दो गो तीन गो चार लेकिन वहां देखने को मिल रहा है बनी लगा चार रन सीधा नहीं फेंक रहा है तो स्कोर क्या पहुंचा 103 रन सरवन का परवीन के विकेट ले पाए गेंद वॉलंटियर खोजे जल्दी या तो दूसरा गेंद पहुंचा दे ग्राउंड में फेंको दस ओवर को इसको वो बाबा जब नेटवर्क क्या बोल रहा तो इन बड़ा तीन के धोखे गए ओवर में सरवन एक बार फिर से तैयार परवीन गेल का ये बॉल नीचे रह गई तनी मनी सुनील वाला बिस्फिल भाई ना की विकेट कीपर से लेग भाई के रूप में एक रन छुड़ा लेना दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाज छान में कैसे कुछ 103 बल्लेबाज कैलेंडर साथ बने खेल बने कारपेट के सहारा फील्डर मौजूद बना विजय सानी लागान पे एक रन स्कोर क्या पहुंचल 105 रन पकड़ी ओमान से हमारे प्रधान जी मैच को लुप्त उठाते हुए वाल्मीकि जी सरवन फिर से तैयार परवीन गेल खातिर खेल बना फील्डर मौजूद बना लेकिन वन बाउंस चार रन कप्पा खा के बाहर चल गए चार रन स्कोर क्या पहुंचल 109 रन ओवर फोर हो चुका है 109 रन 9 ओवर की समाप्ति समाप्ति के बाद 109 रन लास्ट ओवर आना बाकी है के नुकसान पे पेंतरा की टीम देखते हैं इस लास्ट ओवर में कितना रन हो चुका है कितना रन बीच और पाई तो 15 रन देना आना हुआ ओवर में सरवन हमारे साथी कमेंटेटर कॉलर ने कहा कि 25 रन बनी लेकिन हमारे हिसाब से नहीं लगा था कि 25 रन बनी। जी हाँ भैया स्कोर में थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है हमारे स्कोर स्कोरर महोदय जो है स्कोरिंग में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। दो ओवर एक्स्ट्रा मान के स्कोरिंग में दिखा रहे हैं कमेंट्री के हिसाब से आप सुनिए 9 ओवर हुए हैं 109 रन और 10वां ओवर यानी लास्ट ओवर और पहली गेंद का पहला रन और भी खराब लेकिन एक रन एक छोटा रन स्कोर और प्लेयर लेग साइड में नोवा परवीन पांच गेंद बचल हुआ परवीन क्या करी है राउंड के दूसरा गेंद और खेलने वाला हुआ कारपेट के सारा सामान दिया अपना पीछे अरे बात नहीं बिल्कुल नहीं और ये परवीन गेल पहले गेंद में है ना फेंक चला था आउट हो गया था परवीन गेल लेकिन होशियार बना परवीन गेल पहुंच गया पहले स्ट्राइक पे तो एक रन मान हुई स्कोर क्या पहुंचल एक एक से 11 रन जैसी भैया तो हाथ उठा दिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके राम विकास 111 रन बन गई बा 8 विकेट को स्थान पे राम विकास फिर से तैयार बने परवीन के साथ ही खेलने बन रहा कारपेट के सारा लगा हो जा फेंक दो हो जा फिर सानी मौजूद बन रहा दूसरे रन के फिर से प्रयास करत रहा लेकिन मना कहीं अजय सिंह तो 45 रन पे परवीन गेल खेलता ना का 50 रन का पूरा हो पाई
हम जाना चाहते नहीं अपन साथी कमेंटेटर से। देखिए कुछ अच्छा बारह रन नाम है जैसी ना केदवा मिली क्या ना मिली लेकिन दौड़ के पहुंचे इस टाइप पे हमके मालूम बा क्योंकि उनके ही बल्ले से रनवा बनत बा। और ये पीछे बहुत ही शानदार पहले दो विकेट लिए हैं कीपिंग किया गया है कैच तो बहुत हाई था जबकि इनके जाए के चाहिए जाहिर से कि इनके बल्ले से रन बनत था। परवीन 45 पर खेलता ना चार के दो गई बात दो गेंद पचहत्तर पूरे कप हुई है दो गेंद में परवीन के 113 रन 113 रन भाई बा दो गेंदे हो चुकी हैं 113 रन लास्ट ओवर हेलो दो गेंद खेल बाकी है परवीन गेल का पचहत्तर पूरे कप हुई है राधिका ये कैच आउट हो गया कैच हो गया तब तक इससे मैं पूरा कमेना बड़ा अफसोस है इनके अमाउंट अफसोस हुई कहे कि क्वार्टर फाइनल मैच चलता और बहुत बढ़िया योगदान दिल मन अपने टीम खाती परवीन के 45 रन बहुत बड़ा स्कोर वाला अपने टीम खातिर हालांकि पूरा कोशिश कही ना आप 50 रन मारे के लेकिन डेट ओवर में अपन ना देख के टीम के देखा जाला तनी प्लेइंग इलेवन दिखा दो नित्य आवता ना कप्तान चीफ बेकर्स की तरफ से के प्लेइंग इलेवन में बा दिखा दो हम प्लेइंग इलेवन का नाम बोल रहे हैं रिंकू यादव प्रवीण गेल श्याम यादव सिकंदर धीरज जय सिंह पंकज बाबा विवेक यादव शैलेंद्र मोनू तनी मनी बहस हो गई बा इंपायर एक डिसीजन ली तो अभी जो लास्ट विकेट है उनका प्लेइंग इलेवन में नाम नहीं है इसके वजह से जल्दी करें मुनारो थोड़ा सा लेट हो रहा है इस मैच में इसमें 11 नंबर कृष्णा लिखा है लेकिन साइड में जीतू लिखा है हेलो देखिए अगर इमरजेंसी में चला गया है तो दूसरा प्लेयर खेल सकता है डिसन वाला पर डिसन वाला ठीक बैठे Thank you.
मैं एम्पायर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो वायरलिस्ट होती है अभिषेक पाठक जी, अभी तक तो अखिलेश भैया का नाम नहीं सुनने को मिला है। और रही बात कि एक प्लेयर का अगर कोई प्रॉब्लम हो गया नहीं आया तो बारहवां प्लेयर खेल सकता है। और एम्पायर से महोदय है कि गेम को जल्द से जल्द चालू कराए। आज मैच रेफरी है, मैच रेफरी जो है उनसे गुजारिश है कि इस मैच को जल्दी से जल्दी चालू कराए। एक गेंद का सामना है, एक गेंद का मतलब है और ड्रामा ज्यादा हो रहा है। आप दो ओवर काटिए, दो ओवर काटिए, बहुत ड्रामा हो रहा है। हेलो, जितने भी ग्राउंड में दर्शक है बाहर चले जाए, जो भी दर्शक है बाहर निकल जाए। जो भी दर्शक है बाहर निकल जाए, हम मैच को जल्द से जल्द चालू करें, बात ना कर रहे। आवाज म्यूट किए थे, यहाँ पे आसपास जो लोग थे थोड़ा सा गलत शब्द का यूज कर रहे थे, इसके वजह से हमने म्यूट किया था। ये भैया आप लोग जाइए। बहुत बढ़िया बाबा। अनिल जी सब तक खेलिए, रनमार राखी के कैसे पड़ी तो इनके सारा संयम के साथ खेले के पड़ी। अब खेलो बाबा, दो तीन चार पांच छह पांच सत्तर कोल छह रन बाबा, पटका मत आगे खिलाओ। जब ले खेलिए तब ले रन मारिए। लगा दी तीन ओवर चार ओवर अगर खेल गई है तो आधा रन पूरा मार दिए नित्या काय खाती इनके हम देख ले बनी बहुत मैच में पंकज पांडे और ये बिल्कुल कैसा रहा वाला बाकी बात बॉल चूना लेके जाना हो तो मैं भी वॉलंटियर चूना लेके चूना लेके दौड़ के जाओ। ए मोनू ठीक बा ठीक बा, आई बॉल देखत रहिए ध्यान से। माफ करिए तीर के फेंका चुकल बा और छह रन बन गई बा। पहला ओवर का पंकज पांडे और इस बार भी खेलने का प्रयास बिट्ठू है छह रन दिखता नहीं है ना तो स्कोरिंग बिना किसी नुकसान के पहला ओवर पर यह चलता होगा। ठीक है ठीक है बढ़िया बाबा। 115 रन का पीछा करते हुए अरे यार हल्का बैट अंदरूनी किनारा लागल बा। सेकेंड
स्लिप के तरफ गेंद गई, स्कोर क्या पहुंचे 7 रन 5 गेंद के समाप्ति पे। अब आखिरी बार इस ओवर में पंकज पारे सामना करी है विजय साहनी। तो स्ट्राइक पे आ चुके हैं विजय साहनी, पहला ओवर की प्रगति पे 7 रन हो चुके हैं। बोले बाबा पहला के सामने छह बॉल का अच्छे से चलाकी भरी। तो एक ओवर के समाप्ति पर 7 रन बिना किसी नुकसान के स्टीव बेकर सलेमपुर। तो देख सकते हैं आज की संख्या में दर्शक बहुत ही ज्यादा भीड़ है आज चारों तरफ से, पीछे भी देख सकते हैं। और हमारे बीच में मौजूद है पूर्व कमेंटेटर संजय प्रताप सिंह, साइड में भी देख सकते हैं। आगे के कुछ प्लेयर स्कूल के ऊपर दिखाई दे, कुछ दर्शक आंखों से कहा सुनिए। और पूरा ये संजय प्रताप सिंह जी और मैं बॉलों में बताइएगा प्रांगण का प्रणाम करता हूँ इनको भैया। और मैं बॉलों में बताइएगा एडवोकेट संजय सिंह बोल रहा हूँ जैसे, और कमेंट्री भी मैं कर रहा हूँ। और इस समय एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन हुआ है तेज अच्छा सलेमपुर 7 रन पे बल्लेबाजी, अभी एक विकेट भी नहीं गिरा हुआ है। और बॉलर नेम शैलेंद्र जो कि बहुत ही दुबले पतले लेकिन बहुत ही अच्छे 10 ओवर में 115 रन बनाते हैं। और राइट 115 का टारगेट राइट आर्म शैलेंद्र राइट आर्म थोड़ा सा कमेंट्री बातचीत को ताक लीजिए। राइट आर्म बोले लड़के राइट आर्म राउंड विकेट मैं तो असर तो है उनकी ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी लेकिन उसको थोड़ा सा ब्लास्ट करना चाहते थे लेकिन काटते ही जाती हुई गेंद और प्लेयर ने फील्ड किया मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ा। और कैलेंडर की बहुत ही अच्छी गेंद थी और उसको फुल करना चाहते थे लॉन्ग के ऊपर में लेकिन मिडिल विकेट पे गेंद कलेक्ट हुई। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय सैलेंडर जितू जाएगा आराम से एकदम। और बहुत अच्छा ये टूर्नामेंट है, दर्शक बहुत एंजॉय ले रहे हैं। सैलेंडर और सैलेंडर राइट का रिंकू एंड कंप्लीट दर्शक रोड की तरफ से सबसे ज्यादा रन करवीन गेल ने मारा है 45 रन मारा है सबसे ज्यादा रन बॉलर ने फील्ड किया। बेल्ट्रा रोड की टीम से रिंकू एंड कंपनी की टीम से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले परवीन गेल 9 रन 45 रन बहुत ही कम गेंदों में लगभग और बहुत ही 16-17 गेंदों में उन्होंने बना दिया था 45 रन। ठीक है सल्लू बेल्ट्रा की बहुत अच्छी गेंदबाजी चल रही है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट उनकी एक और ये कैच यहाँ पे छूट गया और कैच ड्रॉप हुआ वो भी नित्या का कैच ड्रॉप हुआ है। बहुत ही बड़ा विकेट जो कि उनकी टीम के लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है आने वाले समय। बवाल हुई नित्या के बैट से और नित्या ने पता नहीं गेंद जाए आराम से पकड़िए हाथ नहीं तो बहुत ही अच्छे फील्डर थे लेकिन नित्या का कैच छोड़ दिए हैं। नित्या की लगभग उम्र वही 35 बरस हो चुकी है और लगभग 20 बरस अजू से खेल चुके हैं नित्या। और नित्या का कैच छोड़ना इतना आसान नहीं है, अब कैच छोड़ने का मतलब वही विराट कोहली और समझ लीजिए बहुत ही कैच का वो होगा कि मैच हल्के 115 रन का लक्ष्य देखते हैं क्या सलेमपुर की टीम चेस कर सकती है। और नित्या का ये कैच ड्रॉप होते ही पहला छक्का दूसरा छक्का ये होता है कैच छोड़ो और मैच
हारो यही होता है। जैसे ही नित्या का कैच ड्रॉप हुआ वैसे ही अगली गेंद पर उन्होंने छक्का लगा दिया और उसके बाद जले पे नमक यही होता है। और हल्के हल्के सर मत दौड़ते हुए हमारे को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद और नित्या और ये बिल्कुल बाहर व्हाइट बॉल का इशारा हमारे के द्वारा बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय। लेकिन उनके गेंद पे बहुत ही अच्छा कैच ड्रॉप हो चुका है, उसका खमियाजा बॉलर को भुगतना पड़ रहा है। हल्के हल्के कदम से दौड़ते हुए एम्पायर को करा सकते हुए उनकी ये गेंद और ये क्या बॉल थी, बिल्कुल नीचे रह गई बाहर और एम्पायर का कोई इशारा नहीं। एम्पायर एम्पायर के दबाव न बनाई जाए, दोनों ही बल्लेबाज से रिक्वेस्ट है एम्पायर पे नौ दबाव बने सर्वोपरि है एम्पायर का फैसला, नहीं तो एक ओवर की कटौती हो सकती है। हल्के अगल कदमों से दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस करते हुए उनकी गेंद प्लेयर बॉलर ये बहुत ही नाराज इसमें दो कैच नित्या का कैच नहीं पकड़े तो दिक्कत होने वाली है। नित्या इस समय 35 वर्ष के हो चुके हैं और लगभग 10 वर्ष ये क्रिकेट में 35 वर्ष हो चुके हैं, लगभग इनकी 35 नहीं 45 हो चुकी है नित्या की और 10 वर्ष ड्यू से खेल चुके हैं नित्या और 10 वर्ष इस तरीके से तो 20 वर्ष ऐसे हो गया 35 वर्ष की उम्र हो गई है नित्या। नित्या की विकेट बहुत जरूरी है और आप में वो विराट कोहली है नित्या, लेकिन लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी करते हैं युवराज जैसे बल्लेबाज 16 रन बगैर विजय शाह आ चुके हैं स्ट्राइक पे, देखते हैं क्या अपने टीम के लिए कुछ दो बार दिखाते हैं। हल्का के तरफ सबसे पता उनकी ये गेंद और सीधे पॉइंट के तरफ खेल के एक रन दौड़ के पूरा करते हुए, लेकिन नित्या ने मना किया इसलिए कि नित्या बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। जिस तरीके से मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, जिस तरीके से 2 रन पे 3 विकेट भारत का गिरा था ऑस्ट्रेलिया गुरु, उसी तरीके से नित्या है और लोकेश को बहुत समझाते हुए विराट कोहली वही नित्या विराट कोहली है। हल्का नित्या के लिए और ये 9 बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा, तो आइए फ्री हिट और 9 बॉल का इशारा आपको मैं बॉल ये बिल्कुल पिच के बाहर गिरा हूँ एक दिन पहले जो इसके वजह से ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच हुआ था जिस समय 2 रन पर एक विकेट गिरा था तो विराट कोहली एंड नित्या क्या करेंगे भैया, यहाँ कमेंट्री करने वाला कोई है नहीं राइट हैंड से, लेकिन नित्या कैसे भी काम चलाया जा रहा है कमेंट्री करके लेकिन नित्या के बाद छक्का नित्या द्वारा। मैं पहले भी बता रहा था कि नित्या वही बल्लेबाज है विराट कोहली, लेकिन स्टाइल अलग है नित्या की, वही कहानी है। मैं नित्या को आज से नहीं जानता हूँ, जिस समय बहुत छोटे थे तब तक नित्या को जानता हूँ। इस विकेट को बहुत जरूरी है जायका हमारा राउंड उड़ती है जो बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन आप इस बहुत और गेंद बगैर किसी रन का देवरिया जिला में नित्या ठीक है बाबा। और इसमें नित्या इस अगले से हुए और उनकी ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, उसको फुल करना चाहते थे लेकिन अब एक रन से सद्दो करना पड़ेगा। जेस साहनी जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, विजय साहनी ने मना किया नित्या को और विजय साहनी इस मंडल में लगभग उनकी भी उम्र 40 वर्ष से ऊपर क्रॉस कर गई है। बाबा 25 रन इस समय स्कूल हो और विजय साहनी की भी उम्र 40 वर्ष से ऊपर हो गई है,
और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, हम इनको भली भांति इनको जानते हैं। विजय शाही अपना और यहाँ पे कैच का चांस बना था लेकिन फील्डर गिरती हुई गेंद और दूर थे, एक रन से संतोष करना पड़ा, कोई प्रयास नहीं किया। और विजय शाही जो है मैं जानता हूँ, मेरा नाम संजय प्रताप सिंह है, एडवोकेट संजय सिंह, और विजय शाही मेरे साथ खेल चुके हैं और निशु जो है उनके साथ भी खेल चुके हैं, और उम्र के बोले बहुत ही अच्छे रायकार राउंड जानदार, ये नित्या का और ये खेल जानदार छह रन सीधे स्टेट के, और स्कोर बोर्ड तो होता हुआ 32 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 115 रनों की लीड है 10 ओवर में, और इस समय स्कोर बोर्ड पहुंचता हुआ 32 रन बगैर किसी नुकसान के। सैलेंडर तो एक बार फिर से बॉलिंग लाइन पे आ चुके हैं शैलेंद्र, देखते हैं इस ओवर में कितने रन देते हैं। शैलेंद्र लग के भाई सल्लो शैलेंद्र, शैलेंद्र अपने कोटे का दूसरा ओवर, अपने टीम का तीसरा ओवर, विजय शाही के लिए अच्छी गेंद को ड्राइव किया और ड्राइव कर दिया, और फीट के जो है की कार्ड जो है की एक रन मिल पाएगा वहाँ पे, तो निश्चित रूप से बता दे इस मैच को जितना होगा तो थर्ड के टीम को तो नित्या को जो है रोकना होगा, क्योंकि आपने दो कैच ड्रॉप कर दिया है तो आपको मुखा में इतना भूलना पड़ेगा आने वाले समय में। फिलहाल शैलेंद्र से काफी उम्र अपेक्षा होगी, भाई हाथ से विकेट के नीचे के लिए गेंद अच्छी विकेट थी, इस गेंद को खेला है सीधे धीरज के पास, एक रन मिल जाएगा। तो बता दे कि दोनों ही सलामी बल्लेबाज नित्या और विजय शाही, नित्या का दो कैच छोड़ना आपको हमेशा भूलना पड़ सकता है मेरे कप्तान को, वहीं तुम खिलाड़ी के साथ भी जो है की बहुत बढ़िया, शायद वहां पे शॉर्ट पे थोड़े सकता है, पुल किया है गेंद को, देखना है दो खिलाड़ी दो फील्डर मौजूद, अच्छा बैकअप वहाँ पे एक रन ही एक रन मिल पाएगा वहाँ पे, एक रन सर बढ़ते हैं इसको बता हुआ 33 रन सॉरी 35 रन, कोई नुकसान नहीं भी हुआ है, तो शायद यहाँ पर नित्या काफी आक्रमण बल्लेबाजी कर रहे हैं, यहाँ पे नित्या को रोकना होगा, नित्या हर साल की बात भी अगले बार फाइनल में जो है की तबाही काफी तबाही मचाए दिए थे, तो इस मैच को रोकना होगा नित्या के ऊपर। बहुत बढ़िया सल्लो, ये गेंद और बहुत शानदार गेंदबाजी कराई है शैलेंद्र ने, बढ़िया ड्राइव था वहाँ पे एक मिल जाएगा, तो तीसरा अथी पे कोई भी बाउंड्री देखने को अभी तक नहीं मिला इस ओवर में शैलेंद्र की बॉलिंग में, चार गेंदें हो चुकी हैं, चार गेंदों पे एक एक रन आया, अभी तक कोई बाउंड्री नहीं देखने को मिला है, तो काफी अच्छी बॉलिंग मानी जाएगी इस ओवर में अभी तक। तो फिलहाल जो है कि और ये व्हाइट और गेंद को मारा जाता अच्छा के रूप में, अच्छा रन के रूप में आता हुआ पहला व्हाइट इस ओवर में, अध्यक्षता है हमारे उनके इशारा आता हुआ व्हाइट का इशारा आता हुआ, और एक अस्सी का सर्वर रिपोर्ट बढ़ता हुआ 37 रन, कोई नुकसान नहीं भी हुआ सिंह के तरफ से, सलेम सलेम भाई हाथ से हुए एक और बिल्कुल मार रहे गेंद को, और बाउंस का इशारा आता हुआ यानी फर्स्ट बाउंस का इशारा आता हुआ यहाँ पे, इस मैच जीतता होगा सलेमपुर सिंह के कस को, 115 की दरकार होगी, 3 ओवर समाप्ति के बाद मेल बोल सल्लो
और इसी के साथ को क्रॉस करते हुए लास्ट बॉल होगी ये बहुत अच्छी तरीके से आने के लिए यहाँ को फील्डर मौजूद नहीं और बाहर खेलते हुए जाएगी। देखते हैं क्या चार हो गए दो रन लेते हुए इस समय दो ही मानी जाएगी। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी सामने कर रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है। अगर करिए और इस समय अनुरोध है टीवी रेखा वाले जो चालक हैं थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स में आके मुलाकात कर लें और कमेंट्री बॉक्स में आके ई रेखा जो ड्राइवर हैं वो मुलाकात कर लें। और इसमें चार ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन और चले पूर्व 40 रन बगैर किसी नुकसान के I'm totally fine as you can see. I'm standing here in front of you. 115 रन बनाने हैं 10 ओवर में जिसमें 39 रन तो इसका लक्ष्य पूरा कर चुकी है सलेमपुर की टीम। कोई विकेट नहीं आया है चार ओवर हो चुके हैं। और इसी के साथ फिर से एक बार बॉलिंग लाइनअप पर आ चुके हैं पंकज पांडे। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पिछला ओवर किसी नुकसान के इस समय शैलेंद्र का बहुत ही अच्छा गया और के 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 फिर बहुत अच्छी बॉल पे दो रन राय काम बहुत नित्या के लिए ये के नित्या के लिए गेंद क्या जाएगा बाउंड्री के बाहर या दो रन ही माना जाएगा और गेंद बाउंड्री के तरफ गई है और दो रन ही माना जाएगा। अरे ये अंपायर के और अंपायर के डिसीजन का और अंपायर का इशारा दोनों ही अंपायर के और अंपायर का इशारे के इंतजार दो रन इसी के साथ और नित्या ने बहुत ही अच्छा बलांस लेग साइड में किए थे और दो रन स्ट्राइक तो इस समय हल्का हल्का उनके पार करा सकते हैं नित्या गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर खेलने के लिए और 10 बरस हो गया नित्या की कप्तानी देखते हुए बल्लेबाजी देखते हुए उम्र इनकी 39 वर्ष हो गई है। नित्या की अगर विकेट अगर नहीं निकाल पाते हैं बेलथरा की टीम और हल्का का कवर देते हुए परंपरा सकते हुए उनकी और एक और लंबा छक्का और बाउंड्री लाइन के बाद खड़े होने के लिए नित्या ने बैक टू बैक बाउंड्री आती हुई डबल नित्या के द्वारा छह रन। अगर और नित्या भाई आपको गुजारिश है भैया पापा की नाक से फूल तो स्कोर हो रही है हेलो 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 कमेंट्री अच्छी नहीं हो पा रही है और देखिए क्या ये भी छक्का होगा या कैच और क्या शानदार कैच वहां पे देखने को मिला है शोल्डर द्वारा वाह मानना पड़ेगा तो बहुत ही शानदार कैच पकड़ना तो तीसरा माना जाता है कि बहुत ही तीन नंबर खराब अंक होता है लेकिन तीसरा कैच मिस नहीं हुआ। धीरज नाम का जो प्लेयर है बहुत ही शानदार कैच सोचना की अब पार का दी बाहर लेकिन हैट्रिक लगाना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हो पाए नित्या अपने और अपना विकेट गवा के पवेलियन वापस लौट गया। स्कोर 53 रन एक विकेट का नुकसान नाम बताइएगा पवन सलेमपुर की टीम अब सामने अलवरा पवन चौरसिया एकदम हुआ नित्या का तरह खेलना
पांचरोतिया पंकज पांडे, ठीक है पांडे, जिस विकेट की तलाश थी पंकज पांडे ने चलाएगा टीम को दिया है। पंकज पांडे एक बार फिर से तैयार बने, पांचरोतिया काफी खेला देख रहा हूँ, सीधा विकेट पर लगे रन चौरसिया के लिए पहली बॉल 53 रन एक विकेट के नुकसान से पांचवा ओवर प्रगति पे चौथा बहुत बढ़िया मेल बॉलर विकेट खाती पंकज पांडे के बार बार लगाओ याद रहा वो विकेट प्राप्त कर चुका माना पंकज पांडे एक बार फिर से तैयार पान चौरसिया ये बॉल तो बिल्कुल खराब थी और बहुत ही दूर मारा है शॉर्ट पिच की बॉल इसके लिए 50 रुपए इनाम अगर पांच छक्के इतने छोटे कट के बल्लेबाज अगर मारते हैं ना दूर डाल तो देख ले मैं छोट मारा लेकिन बहुत बहुत मार मारे ना पहुंच चरोसिया इसको जहां पहुंचा 59 रन 5 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट का नुकसान पे क्यू बेकर सलेमपुर अभी जैसे विजय सहनी का मुकाम कार्यभार संभाले का पड़ी विजय सहनी के जयसिंह जयसिंह आई वाला लेफ्ट हैंड गेंदबाजी करिए जयसिंह 59 रन बन चुकल बा एक विकेट के नुकसान पे 5 ओवर के समाप्ति पर कपिल सहनी यहां से क्या करिए अभी तक आई मैंने ओपनिंग के तौर पे अभी तक तो नित्या के खिलाफ रहा लेकिन अब इनके कार्यभार संभालने के पड़ी विजय सहनी लेकिन जय सिंह लंबा रन बैंकर आ चुके हैं बॉलिंग लाइन पर पहला अपना ओवर लेके जय सिंह अब बहुत ही शानदार गेंदबाजी कराना जय सिंह पहली गेंद सामने करिए जयसिंह के विजय सहनी क्या करिए विजय सहनी पहली गेंद बहुत ही बढ़िया शॉट अच्छा था लेकिन ही मिलेगा जब तक फील्ड करिए एक रन चुरा लिया दोनों बॉल कौन चौरसिया के बहुत बड़े फैन यहाँ पे विकास चौरसिया विकास पटेल माफ करिएगा विकास पटेल यहाँ मौजूद बने अब उनसे अनुरोध बाकी पवन चौरसिया लंबा लंबा 3-4 पर कुछ छक्का मरिए पवन चौरसिया जय सिंह तैयार दूसरी गेंद लेकिन सोनारी बहुत ही चतुराई भरी गेंद खेलना पवन चौरसिया जहां तक आगे अगर गेंद छोड़े रहती तो हमारे तीनों गिर गए रही बोल भाई मैच में मात्र 55 रन चाहिए आंकड़ा दोनों ही टीम 5 ओवर बहुत बढ़िया भाई और 55 रन लगातार बाउंड्री पार करके फेंका था एक बार फिर से 28 बॉल में 55 रन हो सकता है और ये शॉट शानदार तो हम पहले ही बता दे लड़िया की छोट मारा लेकिन बड़ी लंबा लंबा छक्का मारे ना पवन चौरसिया 27 में अब 49 की आवश्यकता है 27 बॉलों में 49 रनों की जरूरत रन इस बार से अनुरोध बार की मैच जल्दी जल्दी कराने का अंधेरा होता अंधेरा हो में टाइम में लगी विकास पटेल खुद माना विकास पूजा तरह छक्का मारते ना तब तक एक बार फिर से जयसिंह तैयार बना पवन चौरसिया का थी और इस बार खेल कर पटकी हुई और बाइक कैसा है जब ले पवन चौरसिया अभी सारी रही है तब तक मैच में 90% शिवबेकर सलेमपुर आगे रही कहे से की दोनों ही दौरिया एकदम टॉपर है एक बार फिर से तैयार जैसे और ये तो बिल्कुल नो बॉल वन बाउंस और नो बॉल इम्पायर से कोनो बाउंस नहीं इम्पायर जो मैच करा होता सूझबूझ के साथ करा होता
वाइट देना चाहिए, नो बॉल करना चाहता हूँ, ये सही है, आप लोग कमेंट करके बताइए। नो बॉल नहीं है, बहुत ही हाइट रही थी बॉल टप्पा खाने के बाद, तो क्या ये नो बॉल होनी चाहिए या वाइट, कृपया जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं। अंपायर ने नो बॉल दिया है, दर्शक इससे खुश नहीं है कुछ दर्शक, तो आप लोग कमेंट करके बताएं क्या ये नो बॉल होनी चाहिए या वाइट। सेकंड अंपायर ने वाइट का इशारा किया है और बाउंस का इशारा, एक ही बार बाउंस है तो नो बॉल हो गई, और बाउंस का भी तैयार नहीं है। जय सिंह बढ़िया, जय सिंह, बिल्कुल सहमत है आप कमेंट से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये और ये क्या शॉट लगा रहा है, तो इस छक्के के साथ 26 बॉलों में 42 रन, क्या हो सकता है। यहाँ उस डिसीजन को चेंज करके व्हाइट बॉल दे दिया गया है, नो बॉल नहीं था। हमारी लगे जमा बा ठीक है, जैसे इसको हम जाना चाहते नहीं, 74 पहुंच गई बा, ये बॉल अच्छा एक कहा चला, बहुत बढ़िया होशियारी भरी बल्लेबाजी, क्रिकेट एक कहा चला, एक छक्का मार लो, एक रन ले लो, अच्छा डिफेंड कर लो। ये मैच एक बार फिर से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, सीधा प्रसारण दिलशान क्रिकेट पे आप लोग घर बैठे देख सके नहीं, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर पे घर या विदेश या आउट ऑफ कंट्री बाहर कहीं भी देख सके नहीं। इसको हम जाना चाहते नहीं, 74 रन एक विकेट के नुकसान पे वही पे ओवर चला था बेसरा की टीम और टीम बेकर सलेमपुर, एक बोल अच्छा भाई जय सिंह, लंबा लंबा रन ऑफ, लंबा लंबा कैच, और ये कैच क्या शानदार कैच था, लेकिन बिल्कुल छोड़ दिया रखा है, जहां तक देखा जाता नित्या के यही तरह कैच छोड़ ले रहा, लेकिन नित्या 30-40 रन करके गई ना, यही तरह पहुंच के कैच छूटा था, अब क्या हुई मैच में, अमन भाई जीतो जीतो, 6 ओवर समाप्ति, 74 रन एक विकेट, अब ये जैसे जीते खाती सलेमपुर के 24 गेंदों में 41 रन चाहिए, विजय सहनी के लिए से लंबा लंबा छक्का मारे के पड़ी, अभी तक एक अनुमान बाउंड्री ने खेला गया विजय सहनी, जेकर नाम से ही जाना जाना विजय सहनी, अपना स्कोर रहने दो, 74 बोल रहा है, लेकिन जीतू आई बनो, अपन कोटा का पहला ओवर फेंकी है, अब टीम खाती 17 ओवर, क्या करिए जीतू, का ये जोड़ी तोड़िए किरा तोड़िए, विजय सहनी एक पर भारी पड़ी है कि जीतू भारी पड़ी है विजय सहनी पे, कुछ समझाता ना पांच चौबसिया विजय सहनी के, क्रिकेट में होना चाहिए सीनियर जूनियर नहीं देखा जाता है, जूनियर भी जाकर समझा सकता है, विकेट के क्लोज लेलो वाला जीतू, और खेलो वाला, और ये तो बिल्कुल आसान बॉल थी, और वहां पे चार गेंद के ना भेट पाई, एक बाउंस चार रन, स्कोर जा पहुंचल बिट्टू के बल्ले पर पहले बाउंड्री आती हुई, अब एक जीते खाती 37 रन चाहिए शिव बेकर सलेमपुर को 23 गेंद में, जीतू आई बना छोटा रन, अब बाएं हाथ से फेंका था ना, और पैर पर लागल बा गेंद, अपील ना कहना यात्रा ना पहले कि पैर पर लागल बा, जीतू एक बार फिर से तैयार बना, और खेल बना हल्के हाथों से रन लेने का प्रयास रहो, लेकिन माना कोई ना, कौन चौरसिया तीन में फेंक चुकल बना, चार रन देने बनो, अगर हैट्रिक छक्का मारिए विजय सहनी तो हमारी तरफ से 501 रुपए का इनाम है, हमें लगे जमा बाबू,
बेयसानी ला सुन लो ये लीजिए ये क्या कैच होगा या बाउंड्री सुन ले लो बेटा तो विजय के द्वारा ये दूसरी बाउंड्री छक्के के रूप में इसको क्या पहुंचा 84 रन जैसे आप देख सकते हैं विजय फॉर्म में आ चुके हैं ओवर में लेकिन बार बार पैर पर लगाता था मैंने छोड़ के ना देखा था ना तो फेंक देता ना उठा के बाहर बाउंड्री के बेसानी तो ये मैच फंसने वाला है या एक तरफा होने वाला है अगले ओवर में वाला है और ये पीछे कैच था या नहीं बैट में लगा था या नहीं बाहर का इशारा इस समय देखा जाए तो बल्लेबाज ईमानदार हो गए अगर बॉल फैलाएगी तो पहले ही बाहर चल जाना लोग कुछ कुछ खिलाड़ी छन मानो लोग तो 18 गेंद में बॉल में 32 रन 18 बॉल में 32 रन 18 गेंद 31 रन चाहिए अब 18 गेंद में 31 रन कौने ना बनी कौने ओवर में बनी कितना गेंद में बनी बोले तो नहीं अभी तो विजय सानी अब पौन चौरसी यही बताइए 12 गेंद में बनी कि 18 गेंद में बनी अच्छा है नहीं आज विजय गेल नहीं देखने को मिले रिंकू एंड बने ना भी विनय कंपनी में 31 रन रिंकू एंड कंपनी यानी विनय भी विजय भी नहीं देखने को मिले हैं मुश्किल बॉलर नेम सैलेंड लेकिन मुश्किल भी बात कहे थे कि बहुत ही शानदार पीछे बाने पीछे गेंदबाज पड़ल बाने बेल तरह के टीम में अब सामने बाने पवन चौरसिया क्या करिए सैलेंडर तैयार बने अपने कोटे का तीसरा ओवर टीम का आठवा सैलेंडर वे सैलेंडर हुआ जो नाजंग बढ़ बोर्ड लगा था इस मैच को जीतना होगा तो सीधे करते हैं ये सबसे खराब या बढ़िया बॉल कही जाएगी वहाँ पे कैच आउट और एक बैक टू बैक विकेट गिरता हुआ शैलेंद्र के गेंदबाजी के द्वारा तो ये मैच बहुत ही ज्यादा फंस चुका है तो बैक टू बैक विकेट आता हुआ इस ओवर में शैलेंद्र के द्वारा जो पिछला डिसीजन लिया गया था वो आउट दिया गया था जो अंपायर के दोनों सूझबूझ निर्णय के द्वारा दिया गया था वो सही था लेकिन उसके बावजूद भी उनके कप्तान के नहीं मानने पर हमने लाइव को रोक दिया था बीच में लाइव रोक करके और रिप्ले देखा गया तो उसमें भी सही डिसीजन निकला जो आउट थे कर दीजिए ये मुकाबला बहुत ही रोमांच हो चुका है 16 गेंदों में 32 रन क्या बन पाएगा बिहार भाऊ ये क्या शानदार छक्का लगाया है बिट्टू लोहार बिट्टू सॉरी माफी दीजिएगा बिट्टू लोहार तो 25 रन चाहिए मात्र 16 गेंदों पे तो फिर से एक बार मैच में वापसी करती हुई सलेमपुर की टीम बिट्टू के द्वारा जो ये पहला तो बिट्टू लोहार जो है कि काफी अच्छी गेंदबाजी छक्का लगाते हुए अपनी टीम के लिए और अपने ओहो ये क्या कैच हो सकता है शानदार और कैच बिट्टू लोहार आउट होकर जाते हुए एक और सफलता मिलती हुई शैलेंद्र के गेंदबाज के द्वारा बिट्टू लोहार जाते हुए फिर से एक बार मैच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है तो कितना रोमांच होगा यह मुकाबला ये आगे देखने वाली बात बहुत ही रोमांच हो रहा है यह मुकाबला
एक बैट्समैन आ रहा है, छक्का लगा रहा है, फिर से मैच में वापसी की चांस दिखाई दे रही है, फिर विकेट गिरता है और फिर वो चांस थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार और शेयर कर दीजिए, कुछ ही ओवरों का मैच बचा हुआ है, ये इतना रोमांच मुकाबला देखने को शायद ही कहीं मिलता है। बैक टू बैक छक्के, बैक टू बैक विकेट गिरता हुआ, कभी मैच आगे कभी पीछे, और एक और गेम बीट होता हुआ, लेकिन एक रन चला लेंगे एक बाइक रूप में, एक बाइक रूप में मिल जाएगा, बैट का कोई संपर्क नहीं, एक बाइक रूप में मिलता हुआ एक रन, और इस एक अंतर नुकसान पे कभी भी इस मैच जीतता होगा। 13 गेंदों में 25 रन, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, चौबीस रन चाहिए इस मैच जीतने के लिए, एक बॉल दम से डालो, तब से वो 14 गेंद 24 रन, बहुत बढ़िया सल्लो, फिलहाल चले चले ये ले दौड़ के बॉल, इसको ड्राइव किया है और वहाँ पे शॉट के फील्डर को नहीं था, वहाँ पे सरेश की अच्छी समाप्ति होती है दिखाई दे रही है, अच्छी कमबैक करते हैं तो शैलेंद्र द्वारा ये बहुत ही, तो फिलहाल अगर इस मैच को जीतना होगा तो बता दें आपको क्या सुबह बेहतर कप्तान ने टॉस जीता, निर्धारित 10 ओवरों में 115 बल्ले चले था, वहां पे जो है कि उसके निर्धारित जो है कि 8 ओवरों में यहीं पे सलेमपुर सिंह के साथ की काफी संघर्ष खत्म दिखाई दे रही है, तो वहीं पे देखिए पब्लिक बहुत ही ज्यादा पीछे भी देख सकते हैं, देखिए इधर पीछे भी कोई पब्लिक नहीं थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा पब्लिक हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा तो अच्छी कमबैक करते हुए दिखाई दे रही है, नीचे हाँ ठीक है लाइव में दिख रहा है, अच्छा जय सिंह अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे, पहले गेंद थी छोटा बन में गेंद थी, गेंद जो पटका था वहाँ पे बाउंसर के इशारा था, यहाँ पे अच्छी वापसी अच्छी कमबैक है, लाइव सक्रिय सक्रिय है यहाँ पे दर्शक टीम के द्वारा, फिलहाल है कि हमारे अंपायर नीरज मेन अंपायर और सेकंड में जो है की आकाश हुआ, ये गेंद दो रन मिले थे, एक रन देखते हैं वहाँ मौजूद और एक रन बन जाएगा वहाँ पे, नित्या का टीम भी या दर्शक बंधु, सिर्फ नित्या का टीम की नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो भी दर्शक बंधु है ऐसा कांटा छूट चुका है, ऐसा लड़ाई छूट चुका है, यू छूट चुका है, क्या लोग बाहर रहिएगा, एक रन के लिए कुछ भी हो सकता है, तो फिलहाल जो है कि अच्छी संकेत नहीं है, आप लोग ग्राउंड होकर बाहर रहिएगा फिलहाल, ओए आगे एक रन बच जाए आगे आप, फिलहाल बहुत बढ़िया जनसंख्या चले, ठीक है जैसे एक बाएं हाथ से एक है, एक रन मिल जाएगा वहाँ पे पवन ने जी ने गेंद को फील्ड किया और एक रन मिल जाएगा, तो मैच में काफी दर्शक बंधु कहीं में जाएगा, मैच जो है कि काफी रोमांच मर चुका है, तो फिलहाल जो है कि मानू भैया 94 रन 4 विकेट नुकसान पे सिर्फ विकेट, फिलहाल जसिंग चले, ये क्या गेंद, कहां जाएगी फील्डर के पास, एक रन या दो रन भागेंगे यहां पे, एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा विजय साहनी, क्या हो गया तो फिलहाल मैच कहीं भी मत आएगा, नवाबी पे दर्शक मत हो, इस मैच को कायदा बदल सकते कभी भी किसी को नहीं जा सकता है, फिलहाल चले यहाँ से उनके गेंद, ओ क्या शानदार बॉल यहाँ बीट करते हुए, बढ़िया गेंद सामने के बाद यहाँ पे बढ़िया वापसी के यहाँ पे दर्शक का कप्तान द्वारा उनके घर द्वारा अच्छी वापसी कही जा सकती है, एक बार फिर से वापसी काफी संघर्ष दिखाई दे रहे हैं,
ओपनिंग आते हैं बिजु सहानी और जो है इस ओवर की लास्ट बॉल, सात बॉलों में 20 रनों की आवश्यकता। लास्ट बॉल इस ओवर की, देखते हैं क्या रन आता है। और ये कैच उठता हुआ, देखते हैं क्या कैच होगा। जी हाँ, और बहुत ही खुश होते हुए रिंकू भैया, और कैच पकड़ लिया है उन्होंने। छह बॉल 20 रन, पंचानवे रन हुआ है। छह गुना 20 रन। अगर सिंह बेकअप को जीतना है तो 6 गुना 20 रन, और बेलसरा को जीतना है तो 6 गुना देख रहे कितना रन रोक रहे। वाइफ का जो है की अच्छी वापसी कही जाएगी। तो क्या ये 20 रन बनेंगे? यही जीतू है जो है की न्यू बैट कृष्णा में जगह पर जो है की आए हैं। फिलहाल उसमें बाधा पड़ता है, फिलहाल कोई बात नहीं है। जीत चले इस आने के लिए माया सिंह के। और ये बीट होता हुआ इस ओवर में, 5 गेंद 20 रन। तो जितना बढ़िया गेंद थी मान सकते नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। अभी भी इसको रुका हुआ 95 रन, यानी फिर 5 गेंद और 20 रन। बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये पीछे बाउंड्री के तरफ बॉल जाता हुआ, क्या एक या दो रन मिलेगा? जी हाँ, 1 रन मिला। चार गेंदे 19 रन, क्या बन पाएगा? चार गेंदे 19 रन, बहुत ही रोमांच मुकाबला। ऐसा मुकाबला देखने को मिलेगा, बहुत बड़े रोमांच मुकाबला। जी हाँ, जीतू ही फेंक रहे हैं। और देखिए, और ये क्या बॉल है, ये कैच है। ओहो, ये विकेट एक और मिलता हुआ इस ओवर में। अब तो बहुत ही कम चांस, 3 बॉल 19 रन। फिलहाल है की 3 गेंद 19 रन। विजय सहनी रिंग भैया एक गेंद और ना, शुरू से ही टिके हुए हैं। फिलहाल 3 गेंद 19 रन, 3 गेंदे 19 रन, क्या देखते हैं ये मुकाबला। और एक और बीट होता हुआ, और बिल्कुल ही ये मैच एक तरफा हो गया इस ओवर में। सात को तो कम से कम होगी, 2 बॉल करना पड़ेगा। और शुरू से आए गए बीसानी, फिलहाल ये बीसानी वैक्सीन टाइप है। ठीक है, और किसानी और लग रहा है पूरा देखा के यह मैच जीतते हुए। बेलथरा की टीम जीत गई है, बेलथरा की टीम ने ये मुकाबला जीत लिया है और सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश कर दिया है। फिर मिलते हैं अगले सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल मैच में। पहली टीम सेमीफाइनल की बेलथरा रोड रिंकू एंड कंपनी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।